बढ़िया, अपने बाबू साहब बैठ गए, बैठेंगे चाय समोसा नाश्ता पानी करेंगे, यहाँ उनके लिए टेबल ओबल मस्त कर दिया है, और किसी ने परमाणु हमला बम कर दिया तो उसके लिए तो अपना स्मार्ट प्योर एयर है ही। चाहे बेशक आपका टॉप वेरियंट हो, बट इसमें कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने का नहीं रहेगा सीट, ये हमारा ऑल्टो की तरह लीवर खिंचाओ और सीट को पीछे करके बैठो। सो हेलो भैया, क्या हाल चाल है? आज हमारे सामने खड़ी है किया की एक ऐसी MPV जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई, जिसका नाम है किया की कैरेंस। भाई देखिए, ये जो गाड़ी है ना हमारे सामने, इतनी बड़ी सी है जो दिख रही है, इसको जनरली लोग जो है हमारे को कंपेयर करते हैं अल्टिगा से, जबकि आपको मैं एक बात बता दूं, अल्टिगा कहाँ और ये गाड़ी कहाँ। ये गाड़ी में इतने भर भर के फीचर्स बोलो, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है। हालांकि ये भी MPV रहेगी और जो हमारी अल्टिगा रहती है वो भी एक MPV टाइप ही आती है, बट इसमें जो जो फीचर, इसके जो लुक्स अट्रैक्टिव, जो जो चीज़ें हम कस्टमर को बना देता है ना भाई अल्टिगा इसके सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ इसका जो प्राइस है वो भी अल्टिगा के सामने कुछ नहीं है भाई। फिलहाल मैं खड़ा हूँ, ये हमारा प्रीमियम प्लस जो कि सबसे टॉप वेरियंट है, इसके ऊपर एक एक्स लाइन का भी वेरियंट आता है, बट वो एक्स लाइन वाला वेरियंट नहीं है, ये हमारा नॉर्मल है। इसकी कीमत देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट, कौन से कहाँ से मतलब वीडियो देख रहे हो। भाई मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ भाई MH49 हमारे नागपुर से, तो नागपुर में अगर आप इसकी कीमत अगर जाते हो, और जैसे जो इसका एक्स शोरूम ऑन रोड वगैरह, और फिर उसके बाद जो डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि अभी ऐसा इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अभी मिल ही रहा है, तो अगर आप पूरा ऑल ओवर डिस्काउंट वगैरह करा लो, और अगर डिपेंड करता है आप कौन से डीलरशिप से ले रहे हो, तो हमारे यहाँ तो भाई ये वाला जो डीलरशिप है ना, आर्योदय किया, तो इन्होंने मतलब 22 लाख रुपये, इसका मतलब एक कीमत जो फिक्स है डिस्काउंट वगैरह करने के बाद, और भी फिर वो 21 से 22 लाख रुपए में कुछ आ जा रही हो, डिपेंड करता है आप फिर कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो सबसे पहले मैं गाड़ी के बारे में, अगर मैं शुरू से अगर एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले भाई दिखा दूँ, ये देखो फ्रंट में, ये देखो, ये इतना प्यारा लुक मिलेगा आपको अल्टिगा में। वैसे तो देखिए, ये गाड़ी को ना मैं बार बार अल्टिगा से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टिगा को लोग सिर्फ इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि वो भी एक MPV है, ये भी एक MPV है, दोनों का ही साइज़ डायमेंशन लगभग सेम है, बट ये गाड़ी जो है प्रीमियमनेस को बहुत ज़्यादा दर्शाती है। और इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट होता है सेकंड बेस का, जो हमारा होता है प्रेस्टीज, जो प्रीमियम प्रेस्टीज वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूँ तो आपको DRLs मिलते हैं, इस तरफ में एक DRL की एक आई शेप मिलेगा, और एक DRL इस तरफ मिलेगा, इसमें हमको कोई कनेक्टिंग वो सब DRLs नहीं मिलते हैं, जो कि उसी में मतलब बायो फंक्शनल रहेगा, उसी में इंडिकेटर भी चलेगा और DRL भी हमारी जलती रहेगी। बीच में कुछ इस तरीके से प्यारी से हमारी क्रोम में ग्रिल मिल जाएगी, नीचे में वही हमारा सब रेडिएटर वगैरह लग जाएगा, इस तरफ में क्रोम, और इस तरफ में जो पूरी फिनिशिंग दिख रही है आपको पियानो ब्लैक में फिनिशिंग मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे हमको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, बीच में हमारी नंबर प्लेट भी आ जाएंगी। बोनट में अगर आपको देखोगे तो वही किया का नया वाला लोगो मिलेगा, चमचमाता हुआ सेट इन क्रोम में मिलेगा। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आएंगे आप, तो इसमें हमको जो कुछ अलॉय व्हील्स इसके मिल रहे हैं ना भाई, गजब के भाई, इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारा लग रहा है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स का। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये R16 इंच की इसमें हमको इसके अलॉय व्हील मिलेंगे, 205/65R17 इसकी जो कि प्रोफाइल बनेंगी, 5 नट के मिलेंगे इसमें, और बीच में हमको किया का लोगो मिल जाएगा। साइड में अब जैसे ही आओगे तो कुछ डोर में इस तरह से क्लैडिंग मिलेगी, जिसमें कि हल्का सेटिंग क्रोम वहाँ भी दिया रहेगा। दोनों ही डोर हैंडल्स हमको क्रोम में रह गए भाई, क्योंकि टॉप वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट वगैरह आप लेते हो तो उसमें आपको ऐसे बॉडी कलर में मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमको आप बेस वेरिएंट लीजिए, सेकंड बेस लीजिए, उसमें आपको इंडिकेटर फेंडर पे मिलेगा, बट ये हमारा टॉप वेरिएंट है तो आपको इंडिकेटर ORVM पे मिल जाएगा। पीछे में आप आते हो, यहाँ पे हमको कुछ इतने लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कि ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, और ये जल्दी ये EV भी आने वाली है, इसकी ऑफिशियल बस मतलब आ गई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट कुछ बोल नहीं सकते कि ये किया कैरेंस में EV कब आएगी, जो और जब भी आएगी भाई धूम मचा देगी। इस तरफ में आप जाओगे तो अगर आप बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट ये सब आप लेते हो, तो उसमें आपको जो टेल लैंप्स है दूसरे मिलते हैं, ये टॉप वेरिएंट वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे LED वाले पूरे टेल लैंप्स मिलेंगे। यहाँ पे हमको हेलोजन में एक इंडिकेटर भी मिल जाएगा और रिवर्स लैंप आ जाएंगे। नीचे में हमारे वही रिफ्लेक्टर आ जाएंगे, जो कि मतलब इलेक्ट्रिकली नहीं है, वो आप चेंज करवा सकते हैं। और बाकी पीछे में इतनी क्रोम पट्टी पूरी आ जाएगी, और इस तरफ में किया का नया लोगो, यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर, और सेम इस तरफ के भी टेल लैंप्स आ जाएंगे। सबसे पहले इसका अगर हम बूट्स लैंप खोलेंगे तो वही हमको भाई इसमें एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और कुछ इतने लीटर का इसका बूट स्पेस मिलेगा हमको, जो कि आप ये ऐसे हम रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से जितना हम चाहे उतना पूरा रिक्लाइन कर सकते हैं, पूरा सुलाना है पूरा सुला लीजिए। खास बात तो ये, पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से दी गई है भाई। इस तरफ में अगर आप देखोगे तो आपको एक कुछ टूल किट्स वगैरह मिलेगी, और ये किया की तरफ से फर्स्ट एड मिल जाएगा, जो कि इसमें खैर जब किसी का मार चोट लगेगी तभी काम आएगी। और जो इसमें स्पेयर व्हील होता है वो हमारे नीचे में हो रहा है, नीचे में रहेगी, जो स्टेपनी होती है। अब चलते हैं भाई इसके सेकंड रो के तरफ में। सेकंड रो का दरवाज़ा मैं जैसे ही खोलूँगा उस तरफ से मैं दिखाता हूँ।
सेकेंड रो का दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे तो ये देखो भाई, इसको बोलते हैं प्रीमियम चीज़। ये बोलते हैं जहाँ पे आपको बोले ना वसूल होना चाहिए, 21-22 लाख रुपए अगर आप इस गाड़ी के पीछे लगा रहे हो तो वसूल होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले इसका डोर पैनल देखो भाई, इधर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है, और यहाँ पे हल्का हल्का हार्ड मटेरियल है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स आ जाएंगे जो कि मतलब वन टच भी रहेंगे, और ये वाले मतलब जैसे फॉर्च्यूनर लेजेंडर वगैरह में कैसे होते हैं, एक वन टच के लिए अलग रहेगा और जहाँ रोकना है वहाँ के लिए अलग रहेगा। सैटिन क्रोम में इसके हमारे डोर हैंडल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हमको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, दो बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह बंद करने का है। पीछे हम की अगर मैं सीट बता दूँ तो हमको यही बीच में एक आर्मरेस्ट मिलते हैं, जो कि आर्मरेस्ट में कोई कप होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं है, और वही सीट बेल्ट वगैरह है। और जैसे ही सीट के अंदर मैं बैठूँगा तो भाई यहाँ पे आपको स्मार्ट प्योर एयर मिलेगा, मतलब वही अगर किसी ने गाड़ी में बैठे बैठे भाई परमाणु हमला हमला कुछ कर दिया है तो वही अच्छे काम करेगा उसमें। और यहाँ पर इस तरफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ रखने के लिए, यहाँ पे भैया बड़े साहब अपने बैठे हैं तो यहाँ बैठ के कुछ चाय नाश्ता पानी करेंगे अपना। इस तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे हमको ब्लोअर के जो वेंट्स होते हैं ब्लोअर्स को कंट्रोल करने के 1, 2, 3, 4 मिल जाएंगे। और नीचे में हमको दो USB पोर्ट तो नहीं है, टाइप सी पोर्ट है, दो भाई, एक नहीं दो, दो टाइप सी पोर्ट है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको ऐसे रखने की जो स्टोरेज की जगह है, बाकी मुझे ये चीज़ तो बढ़िया लगी इसकी अकेरेंस में। यहाँ पे बढ़िया अपने बाबू साहब बैठ गए, बैठेंगे चाय समोसा नाश्ता पानी करेंगे, यहाँ उनके लिए टेबल ओबल मस्त कर दिया है, और किसी ने परमाणु हमला बम कर दिया तो उसके लिए तो अपना स्मार्ट प्योर एयर है ही। और इस तरफ से यहाँ से हमारा प्यारा सा दिखता है इसका डैशबोर्ड। और अगर मैं रूफ़ की बात बता दूँ तो यहाँ हमको इतनी बड़ी गाड़ी में एक छोटी सी सनरूफ भी मिलेगी, और यहाँ पे एक एसी के वेंट्स है भाई। और ग्रैब हैंडल्स कुछ देखो ऐसे पूरे अंदर चिपके हुए हैं, एक ग्रैब हैंडल्स हो गए, एक हमको हुक हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हमारे एसी के वेंट्स आ गए, और एक एसी के वेंट्स यहाँ भी आ गए, ठीक है। और एक एसी के दो वेंट्स मतलब हमको रेयर में भी रहेगा भाई, टॉप वेरियंट है तो एसी के वेंट्स तो जगह जगह देंगे। और यहाँ पे हमको LED में लैंप्स है भाई, देख रहे हो आप, LED में, हैलोजन में भी नहीं, इस तरफ में भी LED में है भाई, हैलोजन में नहीं, और उम्मीद है यहाँ पे भी देखो LED में ही उन्होंने करके दिया, बढ़िया है। अब चलते हैं भाई अपने ड्राइवर साइड की तरफ में। बाकी अगर मैं पीछे की ऐसे बात बता दूँ तो मैं देखिए कोई भी गाड़ी में, मैंने अभी जितनी भी गाड़ी में बैठा हूँ, उम्मीद है ये भी कोई ऐसे खास कंफर्ट मिलेगा नहीं। पीछे में हमको एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और एक टाइप सी का पोर्ट वहाँ मिल जाएगा। और कम्फर्ट तो मैं देख के ही बता सकता हूँ, ये इसमें बच्चों के अलावा कोई बड़ा तो बैठेगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड की तरफ में। ड्राइवर साइड का हम डोर जैसे ही खोलेंगे सबसे पहले भाई, ये प्रीमियमनेस तो आपको हर जगह भर भर के अभी मिल ही रही है। तो देखो यहाँ पे भी हमको पूरा हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे हमारे ORVM एडजस्ट वगैरह करने के सब, और ये सेटिंग क्रोम में हमको मिल जाएंगे पूरे डोर लॉक अनलॉक करने के वो सब फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक नहीं दो नहीं तीन तीन बॉटल आ जाएगी भाई, इतनी स्टोरेज इन्होंने दे दी। अब गाड़ी को सबसे पहले करते पीछे, और इस किया कैरेंस की मैं आपको एक बात बता दूँ, ये चाहे बेशक आपका टॉप वेरियंट हो बट इसमें कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने का नहीं रहेगा सीट, यही है हमारा ऑल्टो की तरह लीवर खिंचाओ और सीट को पीछे करके बैठो। गाड़ी को अंदर बैठते सबसे पहले कुछ इसकी प्यारी सी सबसे पहले हम चाबी देखेंगे। तो देखो ये इसकी किया की नई वाली चाबी आती है, जिसमें कि हमको ये सब चीज़ें साइड में कर दी है बटन। सबसे पहले दिखता है हमको लॉक अनलॉक, इसको प्रेस करके रखेंगे तो वही हमारा जो इंजन है वो हमारा ऑन हो जाता है, तो AC वगैरह से गाड़ी भी ठंडी हो जाएंगी। और इस तरफ में हमको होल्ड करके रखोगे तो इसका जो बूट स्पेस है वो खुल जाता है। तो अब इसको करते हैं साइड में। अब मैं यहाँ से आपको एक एक चीज़ में दिखा दूँ, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का हो गया, इंजन में आइडियल इंजन स्टार्ट स्टॉप वो सब जो मिल रहा है वो हो जाएगा। यहाँ पे हमारी हेडलाइट की बीम हो जाएगी, यहाँ पे हमको कुछ ऐसे रखना है कुछ तो वो सब भी रख सकते हैं। बाकी अगर AC के वेंट्स देखो, इस तरफ में हमारे प्यारे से AC के वेंट्स होगा। यहाँ पे इतना पूरा पैनल हमको पियानो ब्लैक में, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो यही हमारी डी कट की वाली स्टेयरिंग है। अगर आप बेस वेरिएंट या सेकंड बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको इतनी अच्छी स्टेयरिंग नहीं मिलेगी, वो आपको डी कट वाली नहीं मिलती, पूरी राउंड मिलती है। ये हमारा टॉप वेरियंट है, ठीक है। यहाँ पे हमको हॉर्न हो गए, दोनों में हमारे पूरे MID वगैरह छेड़छाड़ करने के सारे फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो भाई, इसके एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही गाड़ी को अगर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, अभी मैंने एक और बार इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बनाया, इसके एनिमेशन आए। अब रिवर्स पार्किंग पूरा कैमरा वगैरह चालू हो गया। अब जब मैं इसको दोबारा बंद करूँगा तो इसके एनिमेशन देखो भाई, हाय हाय, नहीं बढ़िया प्रीमियम ने इस चीज़ मतलब पूरे अगर वसूल होना है भाई, ये गाड़ी अगर आप लेते हो ना 21-22 लाख रुपये में, हर जगह से आपको पूरे वसूल लेगी ये गाड़ी भाई। यहीं भी हमको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, यहाँ पे हमको कोई चाबी डालने का नहीं। इस तरफ में हमारे हेडलैम्प्स के पूरे कंट्रोल्स हो जाएंगे, और इस तरफ में हमारे वाइपर्स के कंट्रोल्स हो जाएंगे। इस तरफ में वही हमारा बड़ी सी टच स्क्रीन मिलेगी, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ चलेगा।
यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक एसी वेंट्स होते हैं, जो कि अगर इसको निकालेंगे तो पूरा ब्लैक ब्लैक और ज्यादा भाई चमकता है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर वगैरह कम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से हमारे फैन की लोअर स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी। ये वाला पैड आपको मिल जाएगा, पैड मतलब ये वायरलेस चार्जिंग वाला पैड है। इस तरफ में 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यूएसबी का पोर्ट, एक टाइप सी का पोर्ट, सब चीज मिल जाएगी भाई इसमें। और इसमें जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये टॉप वेरिएंट है, ठीक है, इसलिए आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह ये सब चीजें मिल जाएगी। और इसमें जैसे चलती गाड़ी में अगर हमको रिवर्स कैमरा देखना है तो ये एक बटन उसके हो जाएंगे। और इस तरफ में जो हमारे दो ग्लास होल्डर है, बॉटल होल्डर जो भी है रखो आप इसमें, तो इसमें आपको कूलिंग का दिया हुआ है। तो ये मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं मनाऊंगा, क्योंकि भाई ये चीज़ ना आपको एल्टिगा का अगर आप VXi वेरिएंट लेते हो ना 12 लाख रुपए के, 11 लाख 40 हज़ार कुछ आता है, तो उसमें भी ये चीज़ मिलती है। तो इसको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि 20-22 लाख रुपए की गाड़ी में ऐसा दिया है इन्होंने, ठीक है। बाकी और इस गाड़ी में वही 1.5 लीटर का मिलेगा, इसमें इंजन पेट्रोल लो डीजल लो, 6 गियर वाले सिस्टम मिल रहा है इसमें। देखो ये 6 गियर है बढ़िया से। इस तरफ में हमारे एक आर्मरेस्ट आ जाएंगे, जो कि ये ट्रे को अगर हटाओगे तो कुछ इतना कुछ डीप आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, जो कि ठीक है। और कुछ यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज वगैरह पूरे सामान रखने की है। सेम इस तरफ में जैसे अगर आप ग्लव बॉक्स देखोगे तो ग्लव बॉक्स ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और इस तरफ में ये वही हमारा फिर एक ग्लास वगैरह रखने का कुछ आ गया है। और इस तरफ में जैसे ही आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमको कोई भी टॉप वेरिएंट है, बट यहाँ हमको कोई वैनिटी मिरर, लाइट्स, रीडिंग लैंप्स वगैरह नहीं है। एक हमको ग्लास होल्डर यहाँ मिल गया और ये सनरूफ हम कंट्रोल हो गए हमारे। और इस तरफ में हमको भी कोई भी रीडिंग लैंप नहीं है, बस एक वैनिटी मिरर दिया हुआ है। तो भाई कुछ इस तरीके से था हमारा किया की कैरेंस का रिव्यू। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।